नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू हॉलैंड की मशीन। एसी कैबिन के अंदर ये मशीन है न्यू हॉलैंड कंपनी की। इसकी कटाई दिखाएंगे, कटर दिखाएंगे, हर चीज़ के बारे में इसका बताएंगे। बहुत ही शानदार मशीन है, कटाई देख सकते हैं आप इसकी, बिल्कुल गिरी हुई जीरी है। गिरी हुई जीरी में आप इसकी कटाई देख सकते हैं। पीछे धान काटने के बाद जो बचा हुआ है मटेरियल वो डालती है मशीन, आप देख रहे हैं। काफी शानदार मशीन है ये। डीजल टैंक इसका, ये इसका डीजल टैंक न्यू हॉलैंड की हार्वेस्टर है ये। बहुत ही शानदार कटाई कर रही है मशीन, दाना भी नहीं फोड़ती और बहुत ही साफ जीरी निकालती है। इंजन देख सकते हैं आप मशीन का,
उस्ताद जी राम राम। ऐसी वाली मशीन देखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं एसी कैबिन की मशीन है ये, एसी लगा हुआ है, काफी ठंडी हवा है, आप देख सकते हैं इंटीरियर गाड़ी के जैसा इंटीरियर है मशीन का। और ये इसका क्लस्टर मीटर, बहुत ही शानदार मशीन है। और पीछे की तरफ ये आप दान देख सकते हैं अपना, पीछे की तरफ आसानी से ड्राइवर बिल्कुल आसानी से देख सकता है सारी चीजों को बैठे बैठे। ये स्टेयरिंग देख सकते हैं इसका, पावर स्टेयरिंग, ये क्लच, और वो उधर आप देख रहे हैं ये ब्रेक है ना, और ये इसके गियर, और ये इसके कटर को अप डाउन करने के लीवर। इस मशीन के बारे में क्या कहना चाहोगे उस्ताद जी? इस मशीन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कैसी मशीन है, कैसी मशीन है? टॉप की है, एक नंबर, एक नंबर। कितने एचपी का इंजन है इसका? ये 135 है, 135 लगता है मेरे को, 135 है। ये स्पेशल इंजन है जी। अच्छा, रोटरी पंप है इसमें, रोटरी पंप के साथ ये इंजन है इसका। और ये जो मशीन का कटर है ये कितना चौड़ा है? ये 17 फुट है। ये 17 फुट का कटर है। रास्ते में कहीं आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी नहीं होती। और क्या खास बात है जो, और जो मशीनें हैं उनमें और इस मशीन में क्या खास बात है? ये गाड़ी दबती नहीं है, गाड़ी ये दबती नहीं है गाड़ी। दिन में 80 किलो निकालती है गेहूँ के। दिन में 80 किलो निकालती है गेहूँ के। और जीरी का आप कितना निकाल रहे हो? जैसे इस सीजन में जो है जीरी गिरी हुई है, तो आप कितना निकाल रही है? 15 किलो निकाल रही है फिर भी, देखो ना ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल गिरी हुई जीरी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरी गिरी हुई, इस तरफ देखो बिल्कुल चिपक रही है जीरी, और 11-21 जीरी है। और क्या कहना चाहोगे आप अपने दर्शकों को, जो मशीन के ऑपरेटर है उनको क्या संदेश है आपका? ये मशीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, मशीन का रेट वगैरह भी पता है आपको कितना है मशीन का रेट? ये है 29 लाख रुपए की मशीन है, न्यूलैंड की। यहीं से मिलती है या बाहर से मंगवानी पड़ती है? नहीं, पुन्ना से मिलती है जी। पुन्ना से? हाँ जी जी। और ये जो कैबिन है, ये कैबिन बाद में बंद हुआ है, साथ में ही आ रहा है? कंपनी का लगाया है, कंपनी का लगा हुआ है, साथ ही सब आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा एसी कैबिन मशीन, उस्ताद जी ने हर चीज आपको खोल के बताई। अगर आपको मशीन लेनी है तो आप गुना जाके मशीन को ले सकते हैं, 28-29 लाख की इन्होंने मशीन ली थी। जो दूसरी जो मशीनें हैं वो 7-8 किले निकालती हैं, लेकिन ये आज भी 15-16 किले मशीन निकाल रही है। और गेहूँ का जो है गेहूँ, ये 80 किले जो है प्रतिदिन निकाल रही है। 80 किले उस्ताद जी ने अपने हाथ से काटे इसी मशीन के साथ, महाराष्ट्र में काटती हूँ। बहुत अच्छी मशीन है, आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल फुली एसी। कह रहा था मेरे का नंबर उस्ताद था। 70 मन की टंकी है दोस्तों इसकी गेहूँ में, इतनी बड़ी टंकी है, बहुत बड़ी टंकी है। अब ये कणक निकालेगी, बहुत ही साफ जीरी निकालती है मशीन। बहुत ही गजब की मशीन है। सत्रह फुट का इसका कटर है और एसी कैबिन के साथ ये मशीन है। पूरा टोटली एसी है अंदर से। है? 17 फुट का कटर है इस मशीन का। बहुत ही गजब की मशीन है दोस्तों ये।
न्यूलैंड। इसकी एक खास बात और है, पीछे जो आप देख रहे हैं इसके, जहाँ से ये माल को फेंकती है बाहर, ये देखिए दोस्तों अंदर का मैकेनिज्म है, ये अंदर का मैकेनिज्म है। अब मशीन में थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया, इसकी जो गेहूँ ये धान है, धान को ट्रैली में डालते हैं, वहाँ की वो चैन उतर गई है, तो उस चैन को चढ़ा रहे हैं उस्ताद जी। दोस्तों इस मशीन में कैमरे भी लगे हुए हैं और ये इसका फ्यूल टैंक। बहुत ही शानदार मशीन है। अभी उस्ताद जी आपको ये मशीन की जो चैन है, चैन उतरी हुई है तो उसको चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी उस्ताद जी ने मशीन के बारे में। 17 फुट चौड़ा इसका कटर है। ऐसा इंजन है दोस्तों इसका, ये दबाव नहीं मानता, दाब नहीं मानता बिल्कुल भी। और बहुत बड़ा इसका दाने डालने की जो टंकी है वो भी गेहूँ में 70 मण की है और आम मशीनों की 50 मण की होती है, लेकिन इसकी 70 मण की टंकी है। ये इंजन देख सकते हैं आप, 6 सिलेंडर इंजन है। ये सामने टर्बो लगी हुई, साइलेंसर, ये इसका फैन और मोटी जाली के अंदर इसका रेडिएटर है और ये इसका एयर क्लीनर, ड्राई एयर क्लीनर के साथ ये मशीन आती है। ये कूलेंट डालने के लिए टंकी और ये इसके हाइड्रोलिक की मोटर। ये इसका टैंक, बहुत ही गजब की मशीन है। एसी कैबिन के अंदर ये मशीन आती है। ये इसका फ्यूल टैंक और बिल्कुल गिरी हुई जीरी है, ये 11-21 जीरी है। इसको बहुत ही साफ जो है मशीन निकाल रही है, बहुत ही सफाई का काम कर रही है। न्यूलैंड उस्ताद जी ने चैन का काम कर दिया है, अब ये कणक ट्रैली में डालेगी। दोबारा से मशीन स्टार्ट हो गई है, TCS 30, TCS 30 ये मशीन है। अब ये कणक ट्रैली के अंदर डालेगी, आप इसकी कणक देख सकते हैं कितनी साफ इसने कणक निकाल रखी है। पैडी धान, अभी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई दोस्तों इसकी, मशीन में अभी दिक्कत है थोड़ी सी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है ER सोनू मोर, हमारे 2 चैनल और हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, लेकिन एक चैनल ये हमारा ER सोनू मोर के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मशीन दोस्तों जाम हो गई थी, इस वजह से जो इसका ये बर्मा है, बर्मे की सफाई कर रहे हैं।
उम्री सासु आया अब दोबारा चलाएंगे दोस्तों इस मशीन को। स्टार्ट हो गई है मशीन।